पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ। मेहंदी के पंडाल में पहुंच चुके हैं और सजावट से आपको यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना अच्छा सा इंतज़ाम किया है। और यकीनन हमारी जो सहेलियां और सखियां हैं उन्होंने भी अनीला के लिए बहुत सी तैयारियां की होंगी, गीत गाएंगी और यहां पे बहुत हल्ला गुल्ला होगा। और बच्चों की जो है ना, मुझे आवाज़ें भी आ रही हैं और सहेलियों की खनकती भी, हंसी भी आ रही है, तो मुझे लगता है मेहंदी आ गई है, तो हम चल के मेहंदी को रिसीव करते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मेरे साथ अनीला की सखी सहेलियों के रिश्तेदार सब यहाँ पे मौजूद हैं और कहते हैं ना कि वो मेहंदी ही क्या सजती है जिसमें गाना बजाना ना हो। और इसके लिए तो सहेलियों और सखियाँ कई महीनों से तैयारियाँ भी कर रही होती हैं। जैसे मैं अनीला से पूछ रही थी तो वो मुस्कुरा रही थी, इसका मतलब पक्की तैयारी है इनकी, तो हम इनके साथ मिल के गाने शाने। नाज़िम, मेहंदी की रस्में तो चलती ही रहेंगी, यहाँ पे ढोलक भी बज रही है, सखियाँ गीत भी गा रही हैं, तो हम अपनी दुल्हन को ले जो इख्तिताम को पहुंचा, मैंने, आपने, हम सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और बहुत मज़ा आया अनीला के रिश्तेदारों से बात करके, गीत गा के और सारा फंक्शन जो है वो अटेंड करके। और आपने देखा बहुत अच्छी तरह से सजाया भी गया था और मेहंदी के हिसाब से। तो जी, आपसे अब मुलाकात होगी बारात के मेकअप में। पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ।